वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, कहती है आपको खुश आमदीद। और यहाँ पर ऑफकोर्स डिफरेंट सेगमेंट्स तो आप लोग अभी देख रहे थे, और अभी ब्रेक के बाद हमारे पास जो सेगमेंट है वो है उन खवातीन के लिए जो जब प्रेगनेंसी में जाती हैं तो उनको कौन सी क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं और कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो उनको नॉलेज नहीं है जिसकी वजह से उनका मिसकैरेज हो जाता है, या वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं कि जिनकी वजह से उनकी बेवकूफ़ियों से, यूं कहूँगी कि लापरवाही कहूँगी, सॉरी बेवकूफ़ी नहीं कहूँगी, लापरवाही से उन लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि बच्चे की हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और मैंने अक्सर देखा है कि उनकी मिस्टेक्स इनिशियली जब उनको डॉक्टर सजेस्ट कर देता है उनकी लेडी डॉक्टर के भाई यू आर प्रेग्नेंट, तो वो उस वक्त इस चीज़ को लापरवाही में लेती हैं और वो सफ़र ज़्यादा करती हैं या सीढ़ियों से चलना ये वो, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फिर हो जाते हैं। और कुछ बच्चों का फिर 7 महीने में भी मिसकैरेज हो जाता है। तो ये वो कौन सी प्रॉब्लम्स है, आज सारी इन पर डिस्कशन होगी। ऑफकोर्स गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं और इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरा शो मॉर्निंग शो बड़ा शौक से देखती हैं, तो अगर आपकी बहन में या आपकी बहू में, बेटी में, या किसी को कुछ किसी तरह की भी प्रॉब्लम है कि काफ़ी टाइम हो गया बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, इंटरनल डायग्नोस क्या हो रहा है, तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो देन आप हमें कॉल कर सकते हैं लाइव। और हमारे दरमियान यहाँ पर बहुत ही सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं और वो पहले भी मेरे शो में आ चुकी हैं, और अब फिर मैंने उनको ऑफकोर्स एक रिक्वेस्ट की है कि आप दोबारा आएँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने ख़वातीन की, क्योंकि कुछ लोग इसमें शाय महसूस करते हैं, बात करते हुए हेजिटेट होते हैं, लेकिन हमें अवेयर हर तरह होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारी जान का और हमारी हेल्थ का और हमारे साथ एक और जान जो हमारे साथ जुड़ी हुई है उसका मामला है, तो मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर अदीला ताहिर MBBS FCPS और इनफर्टिलिटी की स्पेशलिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। जी अदीला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक, थैंक्स, आप आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत टाइम हो गया, लेट हो गया आज। नहीं नहीं, कोई इमरजेंसीज थी जिसकी वजह से आज लेट हो गए। असल में सुबह 10 बजे मेरे इनके साथ मॉर्निंग शो स्टार्ट था, लेकिन इन्होंने कहा थोड़ा, ऑफ कोर्स देखें जिस प्रोफेशन से ये बिलोंग करती हैं तो उनका कहीं पर भी किसी वक्त भी प्रोग्राम हो सकता है, तो फिर हमें थोड़ा, हमने कहा कोई मसला नहीं, थोड़ा लेट हो गया, खैर है। अच्छा जी अदीला जी, बहुत सेंसिटिव हेल्थ, एक जान के साथ एक जान, और वाकई में कहते हैं माँ के कदमों तले ऐसे ही तो नहीं जन्नत आती, एक एक लॉन्ग प्रोसीजर और एक तकलीफ दे मरहला। लेकिन मैं इस वक्त बात करूँगी इनिशियली प्रॉब्लम्स की, और जब आप एक पेशेंट को या एक लेडी को कहते हैं कि यू आर प्रेग्नेंट, तो कौन कौन सी वो बातें जो आप कहते हो कि अब ये नहीं करना आपने? सबसे इम्पोर्टेंट तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये होता है कि आपने वेट नहीं उठाना, ठीक है? ओके, वेट नहीं उठाना। तो वेट में अब जैसे अगर आपने आपके घर के अंदर पानी का बॉटल है वो भी वेट में शामिल होता है, लेकिन लोग उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि मुझे कितना वेट नहीं उठाना है। अब उन्होंने हैवी वेट लिफ्टिंग, अच्छा अगर आपका इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल कम है, छोटा बच्चा है, तो वो भी यही है कि छोटा बच्चा है तो वो भी वेट लिफ्टिंग में ही आता है, उनको नहीं लगता कि बच्चा, मतलब आपको एवरीथिंग यू हैव टू अवॉइड ना, क्योंकि वेट लिफ्टिंग कैन कॉज मिसकैरेज। फर्स्ट ट्रेमेस्टर में हम ये कहते हैं पेशेंट्स को कि आपको वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, आप अपना नॉर्मल रूटीन लाइफ स्टाइल को आगे मेंटेन करें, लेकिन वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करें। दूसरी चीज ये होती है कि जो है वो लोगों, अगर थोड़ी सी ब्लीडिंग है या आपको एब्डोमिनल पेन है तो फौरन उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए, फौरन आपको गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ब्लीडिंग हो रही है प्रेगनेंसी में तो ये हमेशा एबनॉर्मल होती है, लोग इसको समझ रहे हैं शायद ऐसे ही हो रही है, और इसके बाद जब बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी होती हैं, जब वो बिल्कुल मिसकैरेज तक पहुँच जाती है, जब ब्लीडिंग होती है तो हम उसको थ्रेटन मिसकैरेज कहते हैं। थ्रेटन का मतलब कि हम एक थ्रेट मिली है कि बेबी कैन मिस कैरी। समटाइम्स फीटल हार्ट्स, आप अल्ट्रासाउंड देखो तो फीटल हार्ट्स नॉर्मल होते हैं, लेकिन पेशेंट को ब्लीडिंग हुई होती है, तो ब्लीडिंग 9 महीने में एबनॉर्मल है, उसको एड्रेस करना है। इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म के अंदर जो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं वो कम होते हैं, आपको एक थ्रेट मिली है कि अब मिस कैरी हो सकता है, ठीक है। लेकिन पेशेंट्स, लेकिन खवातीन जो है समझती नहीं है, फिर भी वेट लिफ्टिंग, अपनी लाइफ स्टाइल को उसी तरह मेंटेन कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, फिर क्या होता है कि आप हील्स पहन रही हैं, ये सब अवॉइड करना होता है। समटाइम्स हमारे यहाँ कराची के तो रोड ही इतने खराब हैं,
कब कब हील से आप गिर जाओ आप कुछ नहीं पता, ट्रॉमा कैन कॉज मिसकैरेज ना। इनिशियली जो सिचुएशन है उस वक्त आपको जरा एहतियात नहीं बल्कि ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अच्छा कुछ लोग इसको रोकने की कोशिश करते हैं, जब ब्लीडिंग हो रही होती है तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, इंजेक्शन एंड मेडिसिन, क्या पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, अगर थ्रेटन मिसकैरेज है जिसमें फीटल हार्ट बिल्कुल सही है, यूट्रस का अगर हम देखते हैं सर्वाइकल लेंथ देखते हैं वो ठीक है, पेशेंट को क्लिनिकली पेल्विक एग्जामिनेशन से असेस करते हैं, अगर सही है तो हार्मोनल ट्रीटमेंट से पेशेंट बेहतर हो जाती है। ओके और इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं, जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है वो तो ये कहती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, थोड़ा रेस्ट करना है। लेकिन आजकल हम लोग प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंटेशन और मेडिसिन इंजेक्शन देते हैं टू सपोर्ट प्रेगनेंसी और इससे फर्क तो पड़ता है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि एग्स बनना जैसे कुछ या ज्यादा मिकदार में बनना या एक दो एग्स के ऊपर भी, कुछ लोग कहते हैं या छोटा एग है या बड़ा है या ज्यादा है, ये इसके बारे में थोड़ा नॉलेज दीजिए। देखिए जो ज्यादा एग्स तो हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने तब से रख दी जो हम अपने माँ के पेट में थे, तो फॉलिकल्स तो आपके पास तब से हैं। ठीक है, फिर जैसे ही आपकी प्यूबर्टी रीच करती है तो एक एक फॉलिकल जो आपकी आपके एग आपके ओवरी के अंदर से फॉलिकल्स मिच्योर होना शुरू होते हैं, तो मिच्योर होने की बात होती है कि वो फॉलिकल्स मिच्योर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये होता है कि अगर हार्मोनल प्रॉब्लम्स हों तो वो मिच्योर नहीं होते, तो उसको मैच्योरेशन के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है, वेट ओबेसिटी एक्सरसाइज ये सब चीजें करनी है। तो आपकी 90% जो होती है वेट लॉस से ही खुद ही से आपके एग्स बनना शुरू हो जाते हैं। ओके लेकिन अगर ये है कि नहीं बन रहे तो वी हैव ड्रग्स जो आपको हेल्प करती है एग्स बनाने के लिए। ओके तो वो हम देते हैं तो एग्स बन जाते हैं। अच्छा रियली, जिनके एग्स नहीं बन रहे तो अगर, अच्छा किसी के अल्लाह ना करे साइकिल रुक जाए तो क्या पॉसिबल होगा वो दोबारा कंसीव कर सके? डिपेंडिंग यही बात है, डिपेंडिंग व्हाट इज द कॉज, आपको पहले तो हार्मोनल प्रोफाइल कराना है, पहले देखना है कि कॉज क्या है। अगर ओवरी ने अपना काम करना बंद कर दिया ये जिसको प्रीमैच्योर मेनोपॉज कहते हैं, अगर वो हो गया है तो इट्स डिफिकल्ट कि अगर दोबारा से प्रेगनेंसी हो सके। लेकिन अगर सेकेंडरी एमेनोरिया के कॉज जो है वो पीसीओ है जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी जिसमें फॉलिकल्स बड़े छोटे होते हैं बड़े नहीं हो रहे होते, उसके अंदर भी समटाइम्स पीरियड नहीं आते दो दो चार चार महीने, तो अगर वो प्रॉब्लम है तो उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर ओवरी ने काम करना बंद कर दिया और अब प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो गया है तो ये अलग बात। तो ये कौन सी सिचुएशन होती है जब ओवरी काम नहीं करती, क्या एग बनाना छोड़ देती, क्या सिचुएशन होती है इसकी, कंडीशन मतलब क्या होती है? उसमें ये होती है कि ओवरी अपने हार्मोन रिलीज करना बंद कर देती है, ओवरी में एजिंग हो जाती है। वैसे भी ओवरी एज जो होती है ना वो जल्दी करती है क्योंकि 50 इयर्स में आपको मेनोपॉज हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों की तो बहुत ज्यादा एज में भी बच्चे पैदा हो जाते, मैं हैरान हो जाती हूँ, सरप्राइजिंग। हाँ लेकिन जो ज्यादातर अगर हम देखें ना तो जो ओवरी के हम ये कहते हैं कि 35 से 37 इयर्स तक आप अपनी फैमिली कंप्लीट कर लें, उसके बाद एकदम से डिक्लाइन आता है। अब वो तो एक्सेप्शंस है ना मौजूद, हम तो मेजर मेजॉरिटी पॉपुलेशन की बात करेंगे। मेजॉरिटी पॉपुलेशन में 35 के बाद डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाता है और प्रेगनेंसी डिफिकल्ट हो जाती है 35 के बाद। लेकिन हाँ लोग हमारे यहाँ तो लोग 45 साल में भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, मैंने खुद पैदा किए, खुद डिलीवरीज कराई है। लेकिन लेकिन बिल्कुल जो नहीं, बिल्कुल भी परवाह नहीं कीजिए, मैं खुद इसमें होता है एज, लेकिन आपका लग नहीं रहा, लेकिन नहीं मैं अपनी बात नहीं करी, मैंने पेशेंट्स डिलीवर कराए। अच्छा, ठीक है, अच्छा मैं जज्बाती हो गई, सॉरी। अच्छा आपने ऐसे पेशेंट को डिलीवर कराया है जो 45 इयर्स, और मैंने देखे भी हैं कि ट्रीटमेंट भी दिया और पेशेंट ने रिस्पॉन्ड भी किया और पेशेंट ने कंसीव भी किया इनफर्टिलिटी पेशेंट। लेकिन जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन में ये कहते हैं कि आपको अपनी जो फैमिली है वो 35 तक कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ये तो आप मतलब सजेस्ट, लेकिन वही बात है कि अल्लाह ने जिसको जिस रूह को दुनिया में लाना है तो वो ला के रहेगा, जिसको देना है उसे दे के रहेगा। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, अदीला जी मौजूद है, गायनेकोलॉजिस्ट है, और गायनी से रिलेवेंट आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कि आपके बहुत ज्यादा जो है समटाइम एक होप्स होती है, अच्छा उन लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है बार बार अदीला जी, देन कंसीव एंड मिसकैरेज, कंसीव और तीन तीन चार चार बच्चे इनके साथ ऐसा होता है, ये क्या प्रॉब्लम इनको डायग्नोज होती है? देखिए जो कॉजेज में अगर बात की जाए कि रिकरेंट मिसकैरेजेस के कॉजेस क्या होते हैं, उसमें सबसे टॉप मोस्ट तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी होती है कि बच्चे के अंदर बनावटी नुस्खे जिसकी वजह से वो मिसकैरी हो गया है। लेकिन ये है कि अब ये प्रॉब्लम अगर उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी है फिर तो
मतलब इट इज अनअवॉइडेबल प्रॉब्लम ना. लेकिन आजकल जो है जो हमारा जो कॉमन मैं देख रही हूँ रिकरेंट मिसकैरेजेस में, उसका कॉमन होता है कि आपकी खुद की कुव्वत मुदाफ़ियत आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देती है. और जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत एक्टिव होती है और उस बच्चे की जो है वो खून गाढ़ा होता है, उसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो ब्लड सप्लाई अवल नाल के जरिए बेबी को पहुंच ही नहीं रही. ओके अगर इस प्रॉब्लम है तो ये रिकरेंट मिसकैरेजेस में अगर ये प्रॉब्लम आपके सर्टेन इन्वेस्टिगेशन से डायग्नोज हो सकता है, अगर ये प्रॉब्लम है और हम इसको इसमें ब्लड थिनिंग एजेंट्स देते हैं, हम एक इंजेक्शन देते हैं जो पेट में पूरे 37 वीक्स तक लगता है वो देते हैं, और तो समटाइम्स पेशेंट जो है मेरे पास बहुत सारे आजकल मैंने बहुत सारे पेशेंट्स रिकरेंट मिसकैरेजेस के देखे हैं जिनको मैंने इन लाइन्स पे ट्रीट किया है और माशाल्लाह से वो प्रेग्नेंट हुए हैं और उन्होंने डिलीवर भी किया है. वाह जबरदस्त, अल्लाह पाक आपके आपके हाथ में बड़ा शिफा. इसका मेरी मतलब मेरी एक आपकी तरह एक और जो है वो टीवी आर्टिस्ट है, उनकी बहन है, उनको मैंने अभी डिलीवर किया है. उसको 7 ईयर्स के बाद कंसीव किया, 3 मिसकैरेजेस हुए हैं, पूरा कराची ढूंढ कर मेरे पास आई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 34 वीक्स पे फिर उसको कार्डियक डिजीज भी हो गई एंड में प्रेगनेंसी में, और बड़ी मुश्किल से ये हुआ लेकिन 33-34 वीक्स पे वो डिलीवर हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेबी इज ओके. जबरदस्त. अच्छा एक और चीज़ है कि 7th मंथ में अक्सर बच्चा बहुत बुरी क्रिटिकल कंडीशन में होता है, इसकी कॉज क्या है कि लोग पहले एहतियात करें फिर क्या करना चाहिए? समटाइम्स तो एहतियात की भी बात नहीं होती, समटाइम्स ये कहते हैं कि आपकी यूट्रस में जो सर्विक्स है ना उसके मसल्स वीक होते हैं. ओके. तो ये होता है कि आप जैसे ही प्रेगनेंसी एडवांस होती है ना तो उस जब सर्विक्स के ऊपर यूट्रस के मुंह के ऊपर वेट आना शुरू होता है ना तो वो साइलेंट डायलेटेशन हो जाती है और बेबी अबॉर्ट हो जाता है या बेबी डिलीवर हो जाता है. पेशेंट बोलती है मुझे तो दर्द महसूस ही नहीं हुए. ओके. और यूट्रस का मुंह जब हम चेक करते हैं तो शी इज फुली डायलेटेड और वो डिलीवर होने वाली होती है. तो ऐसी सूरत में ये होता है कि अगर पेशेंट की इस तरह की हिस्ट्री होती है तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसका जो एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर 13-14 वीक्स पे हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं जो सर्वाइकल लेंथ के लिए होता है. फिर अगर सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट नजर आती है या पेशेंट की ऐसी हिस्ट्री है तो फिर हम पेशेंट का स्टिच लगाते हैं यूट्रस के मुंह पे. अच्छा. तो वो सपोर्ट करता है. इट इज नॉट द 100% तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन 50-60% तो सपोर्ट करता है. उसके साथ आप प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंटेशन देते हैं तो डेफिनेटली इसकी इस पे गाइडलाइंस है, इस पे एविडेंस है और ये काम करता है. अच्छा एक और अदीला बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या यूरिन की यानी कि मसाने की कमजोरी से कभी ऐसा हुआ है कि बच्चा कंसीव ना हुआ हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो एक अलग अलग मैटर है इसके साथ. इससे उसके लिए ये है कि क्या कॉज रूल आउट करना होता है, ये भी हमारे ही डोमेन में आता है, यूरोगायनेकोलॉजी के डोमेन में आता है. तो कॉज क्या है वो कॉज आप रूल आउट करके उसको एड्रेस कर सकते हैं. समटाइम्स मतलब मसाने के जो मसल्स होते हैं या ब्लैडर के जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, या ऐसा होता है कि मसाने के साथ एक छोटी पाइप होती है ना जिससे यूरिन बाहर निकल रहा होता है, वो पाइप नीचे आ जाती है. तो उसको टाइट करने के लिए, उसको अपनी जगह पे लाने के लिए हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं, उससे सही हो जाते हैं. ओके. यानी कि इसका कोई हाँ, और कभी ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है, समटाइम्स तो सिर्फ ओवर एक्टिव ब्लैडर है कि आपके मसल्स जो हैं वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से यूरिन आपको बार बार आ रहा है, उसके लिए मेडिसिन होती है, मेडिसिन से भी ये प्रॉब्लम ट्रीट हो जाए, लेकिन इससे इनफर्टिलिटी का कोई ताल्लुक नहीं. बेसिकली कभी भी कोई यानी कि अल्लाह ना करे, वैसे कमी आपके पास होता होगा कि किसी को आप ये कह दें कि आपका नहीं पॉसिबल है, ऐसे कभी हुआ है? यही ओवेरियन प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में कहना पड़ता है. क्या मतलब जी? मतलब ये प्रीमेच्योर जिसमें ओवेरियन एजिंग वक्त से पहले हो जाती है. देखिए ओवरी तो वैसे ही आपकी एज जल्दी होती है, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 70 साल 50-60 ईयर्स, लेकिन ओवरी मेनोपॉज तो 45-50 में हो जाता है ना, आपकी पीरियड्स आना तो बंद हो जाते हैं. तो उसका मतलब पीरियड आना मतलब ये कि ओवेरियन एजिंग हो गई, इसी वजह से आपको पीरियड आना बंद हो गया. तो आपकी ओवरी तो वैसे ही वक्त से पहले आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से 20 साल पहले एज हो जाती है. ओके. ठीक है. अब ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि इनकी ओवरी उससे भी पहले एज हो जाती है, यानी 20 साल में 30 साल में उनकी ओवेरियन एजिंग. समटाइम क्रोमोजोमल एबनॉर्मैलिटी होती है, जैसे टर्नर मोज़ेक एक किस्म की बीमारी है जिसमें क्रोमोजोम्स कम होते हैं उनके, 45X होते हैं, हमारे नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं 46XX फीमेल में, तो उनके एक क्रोमोसोम कम होता है. ओके.
तो वो अगर वो मोजैक हैं तो पीरियड उनको आता है, लेकिन 2-3 साइकिल में या 2-3 साल के बाद पीरियड्स खत्म हो जाते हैं उनके। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है दीला, इतनी इतनी एज, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी है, उनकी दूसरी दूसरी शादी हुई है, एज फैक्टर भी बहुत ज्यादा, फिर भी बच्चे उनके डिलीवर है, ऐसा है? हाँ डिपेंड, वही बता रही हूँ कि FSH लेवल्स कितने हैं ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 20 साल की औरत के FSH लेवल 87 है तो यू कैन नॉट, मतलब मेडिसिन है उनको कम करने के लिए, लेकिन 100% वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। और ये होता है कि अगर FSH आपका कम है, और आजकल IVF हो रहा है, ठीक है, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन 40 ईयर्स की एज में भी होता है, 45 ईयर्स की एज में भी होता बिल्कुल है, बल्कि बिल्कुल वेस्ट में तो 50 में भी वो लोग कह बिल्कुल, रहे हैं, बोलते हैं अब औरत के लिए भी कोई एज नहीं है। हॉर्मोन्स हम एक्सोजीनस हॉर्मोन दें, और अगर हम उनके अंडे खुद के नहीं बन रहे तो उनके उन्हीं उन्हीं के अंडे हमने रिट्रीव कर लिए तो हो सकती है प्रेगनेंसी। अच्छा एक और बहुत क्वेश्चन ये करना चाहूंगी कि ऑपरेशन बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, पहले लोग नॉर्मल डिलीवरी करते थे और मेजोरिटी बच्चे नॉर्मल हुए, लेकिन मैं यकीन करो बहरान हूँ, हर तीसरा बंदा ये कह रहा है ऑपरेशन से, ऐसा क्यों है, इतना क्यों हो गया, वजह? वजह यह है कि लोगों को पेन बर्दाश्त नहीं करना, हालांकि आजकल एपिड्यूरल भी होता है, पेनलेस डिलीवरीज भी होती हैं, बट ये होता है कि किसी को रिस्क नहीं लेना। अच्छा अगर थोड़ा सा भी डॉक्टर को लगता है तो डॉक्टर भी अपनी जगह डॉक्टर भी सेफ गेम खेलता है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आता है उसको अटेंडेंस को वो होता है, और लोग कहते हैं कि सही ऑपरेशन में आजकल देखते हैं इतने अच्छे पेन किलर्स आ रहे हैं, क्विक डिलीवरी, क्विक 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 रिकवरी हो रही है, जितना सी सेक्शन में टाइम लग रहा है जो नॉर्मल डिलीवरी में रिकवरी में टाइम लग रहा है उतना ही सी सेक्शन, तो लोग प्रेफर इसलिए कर रहे हैं कि पहले इतनी अच्छी पेन किलर्स नहीं कहीं आती ऐसा तो नहीं थी। डॉक्टर ये कहते हो भाई ये फिर आपकी अपनी जिम्मेदारी, उसको डरा देते हैं कि उनकी फैमिलीज को कि यार आप देख ले रिस्क है, इस तरह के वर्ड्स होते नहीं ही कहते होंगे डर होंगे? डराने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग भी अब रिस्क नहीं लेना चाह रहे जो, और दूसरी बात है वो पेन थ्रेशोल्ड भी नहीं है। इवन दो हम पेनलेस डिलीवरीज भी करा रहे होते हैं तो भी पेनलेस डिलीवरीज में 100% पेन तो ऑब्वियसली पेन हो रहा है, 100% प्रेशर तो फील होगा ही ना आपको, ठीक है ठीक है, तो वो भी बर्दाश्त लोगों को नहीं होता, मैं समटाइम्स मैंने देखा है। और शोर मचा, दूसरी बात ये होती है कि कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता, अटेंडेंस के एंड पे भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, जरा सा अगर CTG वो ये ठीक है। ऑक्सीजन लगा के लेफ्ट लेटर, नहीं मैडम आप रिस्क नहीं लें आप ऑपरेशन कर दें, ये भी एक कॉज है ना। लोग भी सिर्फ सिर्फ डॉक्टर्स की गलती नहीं है इसमें, पेशेंट्स भी रिस्क नहीं लेना चाहते, जान का मामला है ना, फिर जान क्या का करें, मामला है। और बच्चे का दूसरी बात मामला। है कि देखिए समटाइम्स ये होता है कि अगर पेशेंट के एंड पे अगर आपने बोल दिया, उसने बोल दिया कि भाई आप रिस्क नहीं रहे और आप नॉर्मल डिलीवरी कराने जा रहे हैं और खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऑब्वियसली ये तो सही नहीं है ना। ठीक है जी, अदीला साहब हमारे दरमियान मौजूद है, नाजिन आप लोगों ने मेरे साथ रहने, और साथ साथ हमारे पास किचन सेगमेंट भी है, लेकिन हमारे साथ मैम हमारे साथ ही रहेंगी, हमारे एंड तक हमारे साथ रहेंगी, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हैं यहाँ पर, लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।